आज हम डिस्कस कर रहे हैं NSEB का एग्जाम पैटर्न, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी। आपका सिलेबस जो आता है वो क्लास 12 तक का बायोलॉजी का जितना पोर्शन है वो कंप्लीट आपसे पूछा जाता है। अदर देन दिस आपको लैंग्वेजेस में दो चॉइसेस मिलती है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये आप चूज कर सकते हो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। बात करते हैं मैम क्वेश्चंस कितने आते हैं। सो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों 60, जिसमें से 48 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं और उनका एक ही आंसर करेक्ट होता है। अगर आप करेक्ट आंसर चूज करते हो तो आपको मिलते हैं +3 मार्क्स और अगर इनकरेक्ट चूज कर देते हो तो -1 हो जाता है। रिमेनिंग बचे हुए जो 12 क्वेश्चंस है उसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। अगर आप एक से ज्यादा आंसर करेक्ट चूज कर लेते हो तो आपको क्रेडिट मिल जाता है, इंक्लूडिंग कि उसमें कोई इनकरेक्ट ऑप्शन प्रेजेंट ना हो। यानी यहाँ पे आपको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे। सो दैट इज इट फॉर द NSEB एग्जाम पैटर्न।